अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे आजिज़ो, अभी मैं जुरिया पर हूँ। जो इमाम साहब आने वाले थे अभी तक नहीं आया और बहुत कुछ लोगों ने तोड़ा फाड़ा है, तो मैं दिखाता रहूँ, आप लोग देखते रहिए और सारा वीडियो आखिर तक देखना। पढ़कर आ रहा है, लोग देखेंगे। मैं इन दो आदमी को पूछूंगा कि हजरत आया या नहीं, हजरत आया या नहीं, मैं पूछूंगा। आप लोग देखेंगे, मैं पूछने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हजरत आया है या नहीं, इमाम साहब आया है नहीं? हमको मालूम है आया नहीं। आया नहीं है? हाँ, तो आप लोगों को दूसरे आदमी ने नमाज पढ़ाया? दूसरा। ठीक है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, हजरत आया या नहीं? इमाम साहब नहीं आया? हाँ, ठीक है, ठीक। बहुत बड़ा होगा। इमाम साहब क्यों नहीं आया ये किसी को मालूम नहीं। अस्सलामु अलैकुम, इमाम साहब आया या नहीं? इमाम साहब आया? नहीं, नहीं आया ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो भैया, आपने नमाज पढ़ी है उधर? नमाज पढ़ी। तो उधर इमाम साहब आया या नहीं? आया नहीं। नहीं आया? आपको अच्छी तरह मालूम है? अच्छी तरह मालूम नहीं है हमको। नमाज पढ़ा नहीं भाई, नहीं मिला। जगह भी नहीं मिला? जगह मिला है तो इमाम साहब नहीं आए। कहाँ नमाज पढ़ी आपने? मैदान पे नमाज पढ़ी। मैदान पर, पत्थर पर? मस्जिद में जगह नहीं मिला? मस्जिद में जगह नहीं मिला। हैंडल में भी नहीं? हैंडल में भी नहीं मिला। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आया, आदमी आया इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आपने नमाज तक पढ़ी है? नमाज पढ़ी है? नहीं पढ़ा। इमाम साहब आया या नहीं आपको मालूम है? नहीं आया था अभी तक। नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया इमाम साहब? नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं आया। आप नहीं आया इसलिए आप तो थोड़ा कम बोल, तो क्यों बोल रहा है? क्या पब्लिक नहीं है? पब्लिक नहीं है, कम भी नहीं हो रहा है। पब्लिक नहीं है, हम लोग इतना आदमी एक साथ में नमाज पढ़ा है, अच्छे लगा है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर चोटियन में है। चोटियन? चोटियन में? चोटियन में। बहुत लोग बोल रहा है कि बहुत दूर से आया हूँ लेकिन इमाम साहब नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है। आने से तो पूरा अच्छा लग रहा है, आया नहीं है। आपका कभी भी खराब नहीं है? आपका यही अच्छा लग रहा है कि हम सब एक साथ नमाज पढ़ी? हाँ, समझ तो आदमी एक साथ में नमाज पढ़ी इसलिए हमको अच्छा लगा हुआ है, कोई नाराज नहीं है हम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आया हम लोग बहुत खुश हुआ है हम लोग। यहाँ जो इतना लाख लाख आदमी हुआ है ना, तो देख के हमको बहुत अच्छा लगा। ये एक साथ नमाज किया है जुम्मा नमाज, हम लोग खुश नसीब है। एक लाख, इतना लाख लाख के आदमी साथ हम नमाज किया है ना, बहुत अच्छा लगा है। आप सब लोग दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है? लेकिन हुजूर आया है या नहीं है वो तो हमको मालूम नहीं है। देखा नहीं है? देखा नहीं है, इतना इतना भीड़ हुआ है हमको तो मालूम नहीं है ना। बहुत आदमी बोल रहा है कि नहीं आया अभी तक ना, हमने देखा नहीं। इतना इतना लाख लाख आदमी हुआ है, आया होगा, हमने देखा नहीं। इतना भीड़ हुआ है, अभी भीड़ होने से हमको थोड़ी ही पता चलेगा। हमने नमाज किया है, नमाज अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा है, इतने ही हमने काफ़ी है। कोई ऐसा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहब को खुद को मालूम है साहब आया है या नहीं, अभी तक नहीं आया। ये हमारा जुड़िया प्लेस है जहाँ पर
इतना देर सारे लोग इकट्ठा हो रहा है क्योंकि देख लीजिए यहाँ बाहर से आने वाला सऊदी से आने वाला वो मौलवी के लिए हम लोगों को बहुत आशा भरोसा के साथ ये जुम्मा का नमाज अदा किया है। जैसे हम लोग सब खुश है, एक साथ में इतना ढेर सारा लोग इधर आया है, इसके लिए हम सब खुश है। लेकिन हजरत आया है या नहीं है? हाँ, हजरत आया है या नहीं? ना, अभी तक फिलहाल आ नहीं पाया, थोड़ी देर में आने वाला है, आ जाएगा। और दूसरा आदमी आप लोगों को जुम्मा पढ़ाया? हाँ जी, दूसरा आने जुम्मा पढ़ाया है, फिर भी नमाज हम लोग सब ये अदा किया है। क्यों अभी देखता है लगे तो 3 बजे तक उन लोगों के लिए वाइट करेगा, बस। नहीं आया इसलिए आपको थोड़ा कम? ना, मन में थोड़ा करीब दुख हुआ है क्योंकि अगर आ जाएगा तो हम लोग दिल से ही बहुत खुश होता, बस। जब आ जाएगा? हाँ, आएगा जरूर। तकलीफ में वो तो गाड़ी घोड़ा का चक्कर है, इतना दूरी का रास्ता है, तो आने वाला और ठीक है, जरूर आ जाएगा, बस। ठीक है। अच्छा, बात तो हो रहा है ना कि कार बाइक साइकिल पार्क किया था और पार्क करने की वजह से लोगों ने रुपया ले रहा है। मेरे प्यारे आजीजों, देखिए इमाम साहब ना आने की वजह से लोगों ने बहुत तोड़ फाड़ किया है, स्टेज तोड़ दिया है गम की वजह से कि हम लोग इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना था और नमाज नहीं पढ़ पाया और बक्स भी पानी में गिरा दिया और चेयर भी कुर्सी भी पानी में गिरा दिया। वो आप लोग देख रहे हो वही बक्स वगैरह है, बहुत तोड़फाड़ किया है। क्यों किया? बहुत गम की वजह से किया। फेंक दिया था फिर दूसरे आदमी ने आकर दूसरे लोगों ने आकर उठाया।